प्यारे की जय। श्री बैजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी राम की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री चरणदास महाराज की जय। बाबा दयाराम सारे की सदा की जय। परम श्री राम रतन दास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
राम दलिया श्रावी श्री राम श्यामा जी जय जो नारायण समस्त सुंदर आप सभी के श्री महामत कहे मिलो ए साथ बड़ो विस्तार पर कछक कहो हुकम में हर धनी निर्भार में हर धनी निर्भार पहले दिन इस्लाम में गांग जी भाई धरे कदम सेवा करी श्री देव चंद्र जी की कदमों सौंपी आतम कदमों सौंपी बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सिंधा साथी, कल की मजल में हमने श्रवण किया कि हमारे प्राण प्रियतम दुल्हा श्री सतगुरु महाराज 14 वर्ष से निष्ठानंद श्रीमद भागवत की कथा सुन के आए श्याम जी के मंदिर में कांची बजे वास विक्रम संवत 5,000 माया ने भी बहुत जोर किया भारी कसौटी हुई लेकिन उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करी सतगुरु सर्वने माया का कुछ जोर चला नहीं और विक्रम संवत 1678 में श्याम जी के मंदिर में योग माया समाप्त करके स्वयं मूल स्वरूप में ईश्वर स्वरूप में आकर के रास के स्वरूप में आकर के दर्शन संवाद हुआ श्याम जी के मंदिर में और अंतिम में ये कहे कार्यक्रम विजय वचन कार्यक्रम प्रकट हुआ श्री देवचंद्र जी को दर्शन यो जो है पूर्ण यो तारतम को तत्व यो धीर देव मैंने फिर स्वयं तारतम देने वाले जो स्वरूप है वो हृदय धाम में आकर के विराजमान हो रहे दिल प्रफुल्लित हो गया और यहाँ 14 वर्ष से जो निष्ठावंत श्रीमद भागवत की कथा सुन रहे थे तो फिर भट्ट जी के पास से भी विदाई लेगी कथा की पुनरावृत्ति कर ली क्योंकि 14 वर्ष से यज्ञ चला था उनका तो क्या आज के उपरांत भट्ट जी मेरे इंतजार में आप रहना नहीं जिस तरह से पहले आप कथा सुनाते थे सबको उसी तरह से आप कथा सुनाना अब मुझे जो प्राप्त करना था मेरी जो खोज थी जो मेरे प्रश्न दे वो सभी प्रश्न के जवाब मिल गए मेरी खोज पूरी हुई और फिर भजन को सुनाया भजन में हुआ योग्य पात्र कांजी भाई के परम धाम की वासना धन भाई की वासना श्री कृष्ण जी ने उनको व्यापार छुड़ा करके भेज दिया श्री देवचंद्र जी महाराज के पास और आकर के कहते हैं जगाओ मेरी यादव जन्म से लेकर के अपनी मृतक सुनाई उनको बड़े प्रसन्न हुए फिर श्याम जी के मंदिर में जो श्री कृष्ण जी के साथ जो संवाद हुआ वो संवाद सुनाया तो और प्रसन्न हो गए गांधी जी अब तो राज मंदिर से चर्चा शुरू हुई और रोज नित्य कांची भाई आने लगे और नगर से गए उनकी जो मित्र सगा संबंधी सबको कहा और जो धाम की प्रातम थी धाम की वासना थी ब्रह्म सृष्टि थी
वो आने लगी गांधी मैं की साधक फिर एक काम से दूसरे काम कथा की बात करने लगी। कन्या तो वही आता है जा तो नहीं वही बैठ सकता है वही सुन सकता है वही दिल के अंदर हृदय के अंदर धारण कर सकता है। चर्चा मंडा छोटा पड़ गया तो फिर गांधी जी भाई सबको सबको बदनाम भी करके अपने चाकला मंदिर के अंदर चाकला मतलब उनका घर और जहाँ सतगुरु विराजमान हो गए तथा चर्चा मंदिर चौबीस साल की आयु का विदा हुई तो वो घर घर नहीं मंदिर हो गया। और फिर विद्यक कारण स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री देवचंद्र जी के परिवार का परिचय करवाते हैं। मूल में तो हम जानते ही है कि श्री देवचंद्र जी है परम धाम की सुंदर वाणी की वासना और स्वयं हमारी आलादनी शक्ति श्री जिनके तन का नाम है श्री देवचंद्र जी और माता का नाम है वरवाई पिता का नाम है बंगी मेहता। उनकी शादी हुई भुज नगर के अंदर पत्नी भी है पत्नी का नाम है लिंगबाई और एक पुत्र है जिनका नाम है श्री हरि जी और एक बेटी भी है और जिनका नाम है जमुना। और बिहारी जी की पत्नी भी है और उनका नाम क्या है कृष्णा। और बिहारी जी की हजूरी जो आगे जाकर के फिर जब गांधी अभिषेक हो गया तब हजूरी उनका नाम भी यही पितरकार ने बताया है कौन है नारजी भाई। और फिर नारजी भाई की पत्नी जी कौन थी सबको याद है ठीक है। नलिया बंदर की मजल में उनका पसंद आता है कि हर साल श्रवण करते हैं क्या नाम है ये रंग बायती मजल जिस कारण बिहारी जी ने बाहर निकलने के लिए धर्म प्रचार के लिए मना कर दिया था। उनकी पत्नी आड़े नहीं आई रंगबाई आड़े आई। और फिर देवर था जिसका नाम है थारो और जमुना का पति है जिसका नाम है मेघा भाई और थारा की पत्नी थी चतुरी भाई। यह लोक और यह कबीला लौकिक अलौकिक कहोगी जो कल्याया कुमार करने को किस्माना। यह तो अपने ही परिवार जो लौकिक परिवार है शरीर संबंधी जो परिवार यहाँ का जो रिश्ता है उस परिवार का परिचय करवाया वेतकार ने। लेकिन अब तो यह अलौकिक परिवार बन गया तारतम प्रकट हो गया और तारतम संबंधी चर्चा होने लगी तो मैं भेजू तमाम ब्रह्म सृष्टि आने लगी आत्मा जागृत होने लगी तो सब आत्मीय संबंधी परिवार यह परिवार बहुत बड़ा कितना 313 परमात्माओं को उन्होंने जागृत जो गुरु हरिदास जी थे भुज नगर के अंदर वह भी अब तो यहाँ आ गए सतगुरु के चरण में। वो भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है उनकी पत्नी गुरु माँ भी ब्रह्म सृष्टि है उनका पुत्र वृंदावन जो भुज नगर में जब श्री जी जाएंगे तो आएगा तो प्रणाम भी करते और आरोप आते हैं वह भी ब्रह्म सृष्टि में है। और उनका बेटा था नरहरि और उनकी पत्नी थी मुरली यह भी ब्रह्म सृष्टि के अंदर है। इस तरह से अलौकिक परिवार जिनका कोई पारावार नहीं है जब को स्वयं धनी ने पकड़े हाथ इस परिवार
और इस परिवार की सेवा कर रहे हैं। सदगुरु स्वरूप आध्यात्मिक मार्ग से सेवा कर रहे हैं। चर्चा को चलावे पूरा तो हमारे गांधी भाई परम धाम की पवित्र आत्मा जो पहले दिन इस्लाम में गांधी जरे कदम सेवा कर श्री देवचंद्र जी की कदम सौंपिया। प्रथम दिन से ही सतगुरु महाराज के पूर्ण धाम के धनी के रूप में पहचान कर ली और पहचान करके अपना तन मन जल सर्वस्व सतगुरु महाराज के चरण में समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा समर्पित कर दी और वंदन करते जिनको धनी कहते सोनी धावा सेवा सुरत संभाल करना यही कहा कि 25 पक्षी आपना तेजी आपनो धर्म। 25 पक्ष तो अपने है ही, धाम तालाब सुनिमन जोए माणिक नेर बंटी सोए पश्चिमी चौकान बड़ोबर कहिए उकरा जी जमुना जी लिये आठ सागर आठ जिमी के 25 पक्ष ही धाम रहेंगे। तो यह तो सुहागन की निधि है, उनकी दौलत उनका खजाना है। 25 पक्ष पर नाम वो कहीं जाने वाला नहीं है। 25 पक्ष आपन की जोड़ा गला और दूसरी ओर क्या कहा 25 पक्ष अति बला और ये जी आपको धर्म साक्षात सेवा कीजिए। ये जो मर्म की जो बात है ना, ये गांधी भाई धन भाई की पवित्र आत्मा अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उन्होंने सोचा और सोचा ही नहीं करके दिखाया उन्होंने कि इस धाम मेले सदियों पर दुर्लभ मेले संसार। परम धाम में जागृत होने के बाद परम धाम में उठने के बाद कहो जो सेवा इस संसार के अंदर सदगुरु की कहो या सुंदर साध की कहो या मानव धर्म निभाने की सेवा जो संसार के अंदर हमें प्राप्त हुई है वो परम धाम में उठने के बाद यह सेवा हम कर सकते नहीं है। इसीलिए वर्णन करते जिनको धनी के पेशोरे, धनी ने जिस धाम का वर्णन किया है परिक्रमा ग्रंथ के अंदर या सागर के अंदर, वो धाम तो मेरा है ही लेकिन सेवा सुरत संभाल लो करना। जो भी आत्मा सदगुरु स्वरूप के चरण में आती है या जितने भी सुंदर साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, रसोई का प्रबंध करना ये गांधी भाई ने सेवा की थी। बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो फिर वितर का यह गांधी भाई जो मूल धर्म स्तंभ है, जैसे श्री जी के समय में कहो महाराजा छत्रसाल, उसी तरह से या सतगुरु स्वरूप के समय में गांधी भाई धर्म के स्तंभ बने हुए हैं। तो उनके परिवार और उनके परिवार में भी बहुत सबसे ज्यादा ब्रह्म सृष्टि गांधी भाई के परिवार के अंदर। तो गांधी भाई के परिवार का भी परिचय करा रहे हैं स्वामी श्री रामदास जी महाराज। अरे मूल जो है वो तो है हमारे प्रिय श्री गांधी भाई, जिनकी परात्म का नाम धन भाई की वासना था। अरे उनकी माता का नाम है गंगा बाई, उनकी पत्नी का नाम क्या है, क्या है, भानुबाई। और इन गांधी भाई को वो गांधी भाई तीन भाई थे पर एक भाई थे अरब के अंदर जो बिजनेस के लिए गए थे जिनका नाम ये खेता भाई, और खेता भाई की पत्नी थी जो गांधी भाई की भाभी जिनका नाम क्या था, क्या था, हीर भाई। और हीर भाई क्या सेवा करती थी, रसोई हवेली के अंदर रसोई चित्र में सेवा में थी। अरे यह चेता भाई और हीर भाई जो है उनका एक बेटा भी था धनजी और एक बेटी है जिसका नाम है जशोदा। और गांधी भाई के दो पुत्र थे, क्या नाम है, क्या नाम है, श्याम जी और मान जी। अरे किसकी पत्नी थी अजबाई, श्याम जी की पत्नी थी अजबाई।
अरे बहन थी गांधी भाई की, एक बहन का नाम क्या था? हाँ, जो मेन पात्र है बाल भाई। अरे फिर कहो, अजबाई की बेटी है वो भी हर भाई की वासना का है, मतलब उसका नाम है हर भाई और उसकी वासना का नाम का है लाड भाई की वासना। फिर गांधी भाई का साला था जिसका नाम है गणेश और उसकी पत्नी थी गोमती, और मांझी का बेटा था पीताम्बर जिसकी पराक्रम का नाम था सुखभाई की वासना। अरे जो हीर भाई का बेटा था धनजी, उसकी बेटी थी जिसका नाम है राजबाई की वासना, और जीवराज भाई थे वो तीतान भाई की वासना। इस तरह से रामजी भाई के घर में भी बहुत परम धाम की ब्रह्म सृष्टि वो अनमोल मोतियां उतरी हुई थी। समय श्री देव चंद्र जी चर्चा करते जब इत कहूं को बोलने की ताकत न रहे तब। जब श्री देवचंद्र जी महाराज सतगुरु स्वरूप चर्चा करने के लिए बैठे हैं, सुंदर साध चर्चा सुन रहे हैं और इस तरह से भाव विभोर होकर के प्रेम से चर्चा सुनाते हैं कि किसी को भी बोलने की ताकत नहीं रहती है, क्योंकि सब एकाग्र होकर के एक चित से प्रेम से चर्चा सुन रहे हैं, और सामने वाला जब भाव से प्रेम से चर्चा सुनते हैं तो बोलने वाले के भी और भाव बढ़ने लगता है। तो और सतगुरु महाराज भाव काढ़े दिखाओ ही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनुरूप। चर्चा के अंदर और भाव विभोर होकर के प्रेम से चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा के अंदर भी चर्चा का सार को, चर्चा का रूप को, तो जहद पार वेद वेद पार अक्षर अक्षर पार पतर, यह 25 पक्ष परम धाम जो लोक परलोक का सार है, जो लोक परलोक का मोल है, और इस 25 पक्ष परम धाम के अंदर भी जो सार कहो तो रंगमल के अंदर, जो मूल मिलावा के अंदर, जो कंचन वर्ण के सिंहासन पर जो स्वरूप श्री राम सिंह प्राणी जी विराजमान है, तो स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन करके सुनाते हैं कि हमारे ठकुराणी जी जो श्यामा महारानी जो रुखल्ला और इन रुल्लाड़े, इस समय जब खेल के अंदर हम अवतरित हुए तो इस समय जो मूल मिलावा के अंदर श्यामा महारानी जी ने जो श्रृंगार धारण किया हुआ है, सिंदूर रंग की सुंदर साड़ी अंग पर शोभा कर रही है, श्याम रंग की कंच की धारण की है और नीली लाई के चरण के दर्शन हो रहे हैं। श्री राजी महाराज का सुंदर श्रृंगार है और केसरी रंग की जाल नीचे धारण की हुई है, और उसके ऊपर भाव तो श्वेत रंग का लंबा जामा उसका दामन केसरी रंग की जाल के ऊपर जलकार कर रहा है, कमर पर नीले पीले रंग का पटुका सुहाए हुआ है, ऊपर से आसमानी रंग की पिछोड़ी धारण की हुई है, और सिर पर गौत सेंद्रयान की लाल रंग की पाग के दर्शन हो रहे हैं। सुंदर स्वरूप स्वरूप सुंदर श्याम श्यामा जी को फिर फिर जाओ बलिहारी, इन दो स्वरूप दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी, और फिर ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावट बोज, शब्द साकी शास्त्र सब रहस्य दिखावे पर खोज। विशेष करके यहाँ एड़े पगले चाल जो पगला प्रमाण सुंदर साथ जी, जो प्रथम फेरा के अंदर हम आए काल मह के ब्रह्मांड के अंदर और ब्रज मंडल के अंदर जो हमने पगला भरा था, यानी कि जो लीला हुई थी ब्रज मंडल के अंदर, उस लीला को चर्चा करते, उस लीला की याद दिलाते, उस प्रेम का वर्णन करते कि देखो वहां ब्रज मंडल के अंदर भी यही काल माया का ब्रह्मांड था, यही शरीर यही वजित पांच तत्व का बना हुआ था, और वहां भी परिवार था, सन्मत था, समाज था, पति थे, बच्चे थे, सास थे, ससुर थे, लेकिन फिर भी हमने श्री कृष्ण जी से कैसा प्रेम किया था कि दिन भर हम इतना काम करती थी लेकिन फिर भी रात को घर घर उछल रहा है, रात भर इंद्रावती ढोलक बजाती और बालाजी नीरंग करते थे, कैसा प्रेम था,
उस प्रेम को याद करो, जानते ब्रह्मांड के ज्ञान और ब्रजराज के प्रेम के द्वार पर परमांडो परमान जाने के लिए। रास में कैसा प्रेम था कि जिस प्रेम के कारण बालाजी अंतर ज्ञान हो गए थे, लेकिन वही प्रेम के कारण फिर बालाजी को प्रकट होना था। वही प्रेम के कारण तो कहो हमें घर नहीं पता था, किस धाम से आए किस धाम में जाना है किससे निस्बत है कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी बालाजी ने उस प्रेम के द्वारा हमें पहुंचा दिया था परम धाम के अंदर। इसीलिए इन्हें पगले चाल जे पगला प्रमाण सदर सांत जी पहले फेरे जे मनी सया तमे जान था वो जान आई चित आनंद मान सदर सांत जी। ये हमारे ही पग चिन्ह है। और यहाँ जितने भी संत हुए, संत वाणी कहो या कबीर साहेब के दोहा कहो या नानक साहेब की साखिया कहो, उनका प्रमाण देकर के भी तारतम के द्वारा आकर यहाँ खोल रहे हैं, सबकी आत्मा को जागृत कर रहे, निशुद्ध बना रहे, सबकी सुरता को खेल से संसार से विषयों से इस संसार के अंदर के काम क्रोध लोभ से इस से परम धाम की ओर सुरता को निभा रहे हैं। चर्चा से निकल के अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को एक नया कोई जो आवत तो उमंग ना आवे अंग में। सुंदर साथ भी बहुत खुश होते हैं, उनके दिल में भी उमंग नहीं समाता है। और फिर जाकर के बाहर चर्चा की बातें करते हैं, अरे भाई यह सदगुरु स्वरूप चाकरा मंदिर में ऐसी सुंदर चर्चा करें, ऐसी चर्चा कर रहे ब्रजरास लीला के, ऐसी प्रेम में लीला का वर्णन हो रहा है, चार दिन तक कभी तुमने नहीं सुना होगा, तो रोज वहां चर्चा सुनने जाता, एक दिन चलना मेरे साथ यहाँ आ जा, तुझे अच्छा ना लगे पसंद ना आए ना जचे तो कल से मत आना, एक दिन मेरे लिए भी आ जा चर्चा सुनने के लिए। समझा करके कोई सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को लेकर के आते हैं और फिर आकर के चर्चा सुनते हैं प्रणाम करते हैं, तो आने वाले तो वही है जानको धन्य पकड़े हाथ है। तो सतगुरु स्वरूप और प्रसन्न हो जाते हैं कोई नया सुंदर साथ आता है तो, और आने वाले से भी लाने वाले के ऊपर ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तूने तो मेरा ही काम कर दिया। ये बाहर जाना समझाना तो समझा करके तारतम देना जमात में शामिल करना ये तो मेरा कार्य है, आपने तो मेरा कार्य किया तो और प्रसन्न होते थे। अब कहो कबीला महाराज का करी देव चंद्र जी महाराज आवे नई हिसाब में ये जो करी फेर फेरा। अब जो विक्रम संवत 1675 के अंदर जो प्रगति धाम धनी मेरी धाम के अंदर प्रकट हुए थे पर दिन चढ़ते रविवार को, जिनके बजुर्ग का नाम था श्री महराज ठाकुर और महराज ठाकुर के परिवार का भी परिचय कराए स्वामी श्री रामदास महाराज, तो मूल तो परिवार के अंदर थे श्री महराज ठाकुर और पिता का नाम था श्री केशव राय ठाकुर और माता का नाम था श्री धन भाई। कितने भाई थे आप? श्री पांच भाई थे और सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? वर्धन भाई। क्या था? हरिवंश ठाकुर। मेन पात्र है देखो, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम क्या है? वीरबाई, जिनको अजबाई लेकर के सुनाएगी चाकला मंदिर की लीला और फिर उनके माध्यम से फिर गोवर्धन भाई आएंगे और गोवर्धन भाई से कहो फिर द्रावती के कान में पहुंचेगी धाम की बात। जो वहां कपाया बंदर में जब श्री जी जाएंगे तो भाई भाभी को भी जागनी करेंगे, जो सो जाते हैं जागृत होने के बाद तो फिर माखन नहीं करते कपाया बंदर के अंदर, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। और फिर दूसरे नंबर में कौन है? सामलिया ठाकुर जी। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? क्या है?
बोलो क्या बोल रही। क्या नाम था श्यामलिया ठाकुर की पत्नी का? होमवर्क में दे दूं? हाँ, सब सुंदर साथ के लाज रख दे। शीतबाई को या सीता देवी श्यामलिया ठाकुर की पत्नी का नाम है। और तीसरे नंबर में कौन है? यहाँ हम सब परिवार का नाम सब रिश्ते याद रखते, ये इसका रिश्ता, ये इस प्रकार इसका, ये इसका रिश्ता ना। तो जो मूल है देवचंद्र जी का परिवार और मूल हमारे दान धनी श्री प्राणनाथ जी, वो भी सब उनके घर में ब्रह्म सृष्टि है, तो उनका नाम तो हमें आता नहीं। यहाँ तो एक एक के दस दस रिश्ते और दस दस रिश्तों का नाम सब कुछ पता होता है। तीसरे नंबर पे कौन है? गोवर्धन भाई ठाकुर और उनकी पत्नी सबको पता है पद्मा, क्योंकि यह भी दोनों परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। गोवर्धन भाई की परातम का नाम क्या है? गुणवंती भाई की वासना। और चौथे नंबर पे कौन है मुझे नहीं पता है। कौन है? श्री महराज ठाकुर है, जो परमधाम की श्री द्रावती बाई की वासना। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? फुलबाई। उनकी परातम का नाम क्या है? श्री अमलावती की वासना। और पांचवे नंबर में कौन है? श्री उद्धव ठाकुर। और उनकी परातम का नाम क्या है? उत्तम बाई की वासना। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? क्या है उद्धव ठाकुर की पत्नी का नाम? पांच भाई का तो परिवार है। ढूंढ करके लाना कर। यहाँ विदवकार परिवार का परिचय कराते हैं और फिर हमें रिवीजन भी कराते, शॉर्ट में हम थोड़ा देखेंगे कि संबंध 16 से 15 भादो वरी 14 सनाब पहर दिन चढ़ते बार रवि प्रगटे नवी श्री नाम। जो चल विचल से रहित अचल परमात्मा हमारे धाम धनी जो कंचन बना के सिंहासन पर विराजमान है, उन्हीं का एक स्वरूप कहो ते अमेरी के अंदर प्रकट हुआ था विक्रम संवत 1615 भादो मास और वध थी और 14 की तिथि थी और पहर दिन चढ़ते रविवार के दिन। और प्रकट होने के बाद फिर जब आज का जो प्रसंग आएगा सतगुरु स्वरूप इंद्रावती का मिलाप होता है, मिलाप होने के बाद 12 में अंतर्ध्यान हो गए सतगुरु महाराज। अंतर्ध्यान होने के बाद फिर गाड़ी पर बिहारी जी महाराज आते हैं और फिर माया का कार्य लेते धर्म करने के लिए मेला किया, प्रबोध पुरी में आना पड़ा, श्रीमत वाणी का उत्तरण हुआ, फिर जो गांव बख्शीश रूप में मिला था फिर उसी गांव को जोशीपुरा गांव को बसाने के लिए सृजित है। और फिर वहां से रहा हुआ वापस नौतनपुरी आए और नौतनपुरी से फिर अहमदाबाद की अफसा में आते हैं और अहमदाबाद की अफसा से फिर सीधा दीप बंदर निकलते हैं और दीप बंदर से विक्रम संवत 1722 से फिर जागनी लीला शुरू होती है। तो ये 18 साल की जागनी लीला और विक्रम संवत 1740 के अंदर हो तो 5 पद्मावती परिधाम पन्ना धाम में आकर के महाराजा चक्रसेन जी के साथ मिलाप होता है। और जब यहाँ वाणी 48 में कंप्लीट होने के बाद और 1751 के अंदर जब हुकम में द्वार खोलिया तो उस समय
महाराजा जी सो कहा मैं देखत हूँ एक तुम्मा इस वास के सेवा साथ की सौ पर चलत रहे हम। मेरे पीछे आगे जागने के कार्य की जिम्मेदारी उस सेवा के लिए मेरी नजर में एकमात्र योग्य पात्र हो तो वो है साकुंतल सखी श्री महाराजा छत्रसाल। तो उनको जागने देने का दायित्व सौंपा और उसके बाद फिर हुक्म एक बार पूरा किया करनाथ कमल दिल मामून के आई के अर्श पर बैठे प्रसाद। 120 बरस लो करो करी दज्जाल सो जोड़ा यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोरा। 120 बरस की जागनी लीला कही है कहाँ से कहाँ तक है 1638 से लेकर के 1758 तक 120 वर्ष की जागनी लीला। और इस लीला के मध्य गोद दज्जाल ने बहुत लड़ाई की तीनों सुर के साथ दज्जाल ने लड़ाई की है। पहली लड़ाई मोहम्मद सो फिर उनके यार तब पीछे श्री देवचंद्र जी सो करी खबर वर वर दिखा। सबसे पहली लड़ाई हुई किसके साथ अरब के अंदर मुस्तफा बैग यानी कि श्री मोहम्मद साहेब के साथ। उनके ऊपर भी बहुत जुलम किया अत्याचार किया और दज्जाल ने आकर के उनको बहुत परेशान किया। फिर हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उमरकोट गांव से ही कहो कभी दज्जाल बाहर से आता है कभी दज्जाल परिवार से आता है कभी घर में ही दज्जाल किसी न किसी के अंदर प्रवेश हो जाता है। माता पिता उनके वैराग्य को छुड़ाना चाहते थे लेकिन किसी भी तरह छुड़ाना नहीं पाए। अरे श्री जी के समय में भी कहो तो बहुत जहाँ जहाँ जिस जिस जगह गए उदयपुर में कहो मंदसौर में कहो औरंगाबाद में कहो रामनगर के अंदर कहो या पन्ना के अंदर कहो हर जगह किसी न किसी रूप में आकर के दज्जाल लड़ा है। वह मोहम्मद साहेब के जाने के बाद अली के साथ भी यार था ना उसके पीछे यारों से लड़ाई हुई तो अली के साथ भी लड़ाई हुई थी दज्जालों की। तो यहाँ देखो श्री जी के मार्ग में चलने वाले जो भी है चाहे सुंदर साथ हो चाहे गुरुजन दज्जाल तो किसी न किसी रूप में प्रकट होता ही रहता है और वो अपना धर्म निभाता रहता है कर्तव्य निभाता रहता है और समय समय में प्रकट होकर के लड़ाई भी करता रहता है। श्री जी साहेब जी और वीरा सो लड़ाई न दरमियान बीच बिहारी जी के बैठक यह बड़ा टुकड़ा। तो तीनों स्वरूप संसार को क्या देना चाहते थे ज्ञान संदेश सत्य मार्ग सत्य धर्म खुदा परब्रह्म परमात्मा की राह उनकी पहचान कराना चाहते थे। लेकिन श्री जी के समय में तो विशेष करके बिहारी जी के अंदर भी आकर के बैठ करके दज्जाल ने लड़ाई की विरोध सारा विश्व का भागत ही नभी तक सबको पहचान हो ही पहुंची कदमों में जो तारतम प्रकट कर दिया और आगे जाकर के जो तारतम का तारतम प्रकट करेंगे अठार हजार वाणी ज्ञान और इस ज्ञान से तो बहुत सारे विश्व ब्रह्मांड के अंदर का जो भी विरोधाभास था जो ज्ञान था भी इस तारतम रूपी तलवार में गो तो उस अज्ञानता रूपी अंधकार को चीर गया कलयुग को मिटा दिया खत्म कर दिया सबको पहचान होगी पहुंचे पद्मो भक्त कहा है। इसी ज्ञान के द्वारा सारे संसार को मानव मात्र को विश्व ब्रह्मांड को आज नहीं तो कल जैसे आज हम सत्युग की लीला का वर्णन करते कथा सुनते द्वापर की लीला की कथा सुनाई जाती है द्वापर युग की लीला की कथा सुनाई जाती है तो उन समय जो स्वरूप प्रकट हुए थे उस समय जो जनता थी जो प्रजा थी तब उस समय में उन स्वरूप की पहचान नहीं की थी। आज कलयुग के अंदर सत्युग देवता द्वापर के स्वरूप को पूजा भी जाता है माना भी जाता है और पहचान करके श्रद्धा विश्वास भाव से भक्ति की जा रही है। तो कलयुग के अंदर जो स्वरूप प्रकट हुए निष्कलंक बुद्ध अवतार तीन स्वरूप की पहचान भी बहुत सीमित हरिद्वार के अंदर जब प्रकट हुए थे तभी वही उस समय कह दिया कि जगत अभी अचेत
स्वरूप तो प्रकट हो गए लेकिन विश्वास लेकर के आने वाले कौन थे? बाकी तो सारी दुनिया जिन्होंने कबूल किया था वे भी फिर बेशुद्ध हो गए, बेचैन हो गए। लेकिन आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा कि अक्षरशा दिन के अलावा इस दुनिया के अंदर हो कुछ भी नहीं रहेगा। इसी ज्ञान के द्वारा सब के लिए अखंड का दरवाजा खुल जाएगा, सब धनी के चरण को प्राप्त करेंगे। श्री देव चंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की पीतक संबंध 1638 से 1752 लोहक का मूल जो तीन स्वरूप की वितर के अंदर सबसे पहले चौथे दिन की लीला के अंदर जो स्वरूप प्रकट हो गया हादी का स्वरूप था। और यह लीला का शुभारंभ हुआ तो क्या यह समय बता दिया विक्रम संवत 1638 जो दसवीं सदी बुजुर्ग सदी कही थी ना, नौवीं आज्ञा रफाई कही वे दसवीं सबक लीला। तो इस दसवीं सदी के अंदर जो स्वरूप प्रकट हुए थे वो 1638 से लेकर के फिर चौथे पांचवें और छठे दिन के लीला क्या समय बता दिया 52 लोहक का, यानी कि 1752 तक 51 में अंतर ध्यान हो गए थे श्री जी, क्योंकि दोनों तन अलग अलग हैं लेकिन स्वरूप एक ही है। लीला मूल से ही पूरी की गई है क्योंकि हरा होला सफेद गुदरी दो जामा के द्वार यह लीला हुई है। 51 के बाद तहखाना में विराजमान होकर के भी जो श्री जी ने एक साल तक लीला की, सुंदर सब को दर्शन देना, चर्चा करना, बातचीत करना, सबके मनोरथ को पूर्ण करना एक साल तक चला, इसलिए का 52 लोग। और फिर मास आसो बदी चतुर्दशी इत महासुरी चौदस वर्ष 110 ऊपर मास 4 सरस। फिर दूसरी ओर से सूर्य और चंद्र की गणना उस हिसाब से जितने सूर्य ग्रहण होता है जितने चंद्र ग्रहण होता है उस हिसाब से 10,000 वर्ष की जो कलयुग की आयु खत्म हो जाती है तो उस हिसाब से भी यहाँ समय निकाल करके दिया कि 110 वर्ष की जो लीला है और ऊपर 4 मास का तो 110 वर्ष की लीला कहां तक पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी 1638 से लेकर के कहां तक जाएगी 1748, कहां तक जाएगी 1748 और उसके ऊपर 4 मास का। तो सतगुरु का प्राकट्य कौन से मास में हुआ है, कौन से मास में हुआ है, आसोच में ना? आसोच के बाद कौन सा आता है कार्तिक, फिर माघ, फिर पौष और फिर माह। तो माह महीने की जो 14 आएगी, 14 को प्रागट्य हुआ था ना, माह मास की 14 की तिथि तक या 4 मास तक की लीला बताई गई। मशरक और मगरब से गौड़ी आवत खलग ताको नियत माफक दीदार पावत अंत। अब मशरक और मगरब यानी कि पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों में से कहो तो जो भी पवित्र आत्मा है वो दौड़ करके आएगी जिद्दी की तरफ और आकर के जैसे जैसे जिनकी नियत होगी जिस तरह से उस श्रद्धा विश्वास से आएगी जिस तरह से जिस जिसके दिल में जैसा जैसा भाव होगा प्रेम होगा उस तरह से सब फल को प्राप्त करेंगे। उसी स्वरूप में श्री रंजी महाराज महामति श्री प्राणनाथ जी उनको दर्शन देंगे। जाको दिल जिन बात सो ताको मिले दिन बिना मन चाया स्वरूप होई के कारज हुई सबर सीता। स्वरूप एक ही है लेकिन जिस भाव से मांगता है सुंदर साधक उसी भाव से फिर प्रकट होते और इच्छा व्यक्त करते हैं। श्री महामती कहेंगे साथ जी ये मैं रहे अकर जैसा ईमान जिनका और तीन माफ रख।
श्री महामती जी स्वामी श्री रामदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साहब जी, जो मेहर का सागर है स्वयं हमारे परवर दिगार खुदा अक्षराधि श्री जग जी महाराज हक स्वामी, उन मेहर के सागर ने तो एक अक्षति के संसार के अंदर मेहर बरसा दी है। तारतम रूपी मेहर कहो, ज्ञान रूपी मेहर कहो, इलम रूपी मेहर कहो, कोई पक्षपात नहीं है, एक सबको दिया है। लेकिन जैसा ईमान होगा, जिस जिस तरह से विश्वास होगा तारतम के ऊपर, तो विश्वास करीने दौर से जह तारतम पर दृश्य देखा, उस हिसाब से वो तारतम का फल प्राप्त करेगा। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिन की चर्चा सुनते मावत नाही उमंग। अब श्री देवचंद्र जी के समय में कहो, जो कथा चर्चा होती थी सतगुरु स्वरूप ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत हो जाए, परम धाम की अष्ट पर की लीला मां की चितवन स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन तो सुंदर साहब को सुन करके बड़ा आनंद होता था, उनके दिल के अंदर उमंग नहीं समाता था। और काम जी भाई से वही उच्छो रसोई नित नई नई बातों से वही हुआ अंग में मांगा। फिर पहले दिन सलाम में काम जी ढहे गया, काम जी भाई मात्र सतगुरु महाराज के धाम के धनी के रूप में सेवा नहीं कर रहे, लेकिन धाम के धनी के रूप में सतगुरु महाराज के चरण कमल में आने वाले जितने भी सुंदर साथ है ना, तो स्वरूप के साथ साथ सुंदर साथ की भी सेवा करें। फिर दिल के अंदर कोई भी इतना भी गलती बाहर जितना भी अंतर नहीं है, जिस भाव से जिस तरह से प्रेम से सतगुरु की सेवा करे उसी तरह से प्रेम से कहो तो सुंदर साथ की सेवा करे, बहुत बड़ी बात। और फिर रसोई वो भी किस तरह से, क्योंकि सेवा का भाव है, रोज विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार की मेवा मिठाई पकवान बना करके आध्यात्मिक प्रकार की खुराक सतगुरु महाराज दे करके और लौकिक खुराक गांधी भाई दे करके सुंदर साल को प्रसन्न कर। अब यहाँ सतगुरु महाराज चकला मंदिर में विराजमान होकर के चर्चा को चलावे पूरा, सुंदर साहब भी बढ़ रहे हैं, सब आ रहे हैं, पर आने वाले कौन है जाको दही पकड़े हाथ, और आने वाले से भी लाने वाले के ऊपर कहो तो ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो और सतगुरु महाराज मेहनत करते हैं कि सुंदर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी इसका बदला चुकाना चाहिए, मैं किस तरह से क्या नेकी करूं कि सुंदर साहब का बदला चुकाऊं, तो मेरे पास जो है मैं वही तो दूंगा। तो और चर्चा को चलाने इस तरह से चर्चा के माध्यम से और सुंदर साहब को तृप्त करते हैं। अब यह लीला जो चाकला मंदिर में हो रही है, और इसी लीला के दरमियान तो शायद कहा जाता है 1681 के अंदर मतु मेहता कौर भाई दोनों का धाम गमन हो जाता है। यह चाकला मंदिर में तो लीला चली रही है, आड़े का लीला दस सखी के साथ श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, और सतगुरु महाराज प्रत्यक्ष चर्चा भी सुना रहे हैं, और समय भी बीत रहा है, और बीतते बीतते समय पहुंच गया विक्रम संवत 1682। अब रोज जब श्री कृष्ण जी आते हैं कि समय भोजन के समय दस सखी के साथ प्रकट होते हैं। अब आज जैसे ही भोजन लीला शुरू हुई, दस सखी के साथ प्रकट हुए और भोजन कर लिया, और आरोहने के बाद जब जा रहे थे तो जाते समय लीलबाई से कहा, लीलबाई तैयार रहना कल धाम जाने के लिए। लीलबाई तो खुश हो गए, हम होंगे तो कल ही जाना है, अब क्या करेंगे, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, अभी तो पोते की शादी है, उसकी शादी बाकी है, इसकी शादी बाकी है,
लील भाई ने यह बात सुनाई सदगुरु महाराज को कि आज ऐसा कह के गए हैं कि कल तैयार रहना धाम जाने के लिए। सदगुरु ने कहा उनसे कहना पहले बिहारी जी और जमुना को ले जाए उसके बाद मुझे ये झंझट भी मेरे सिर पर चाहिए। अब दूसरा दिन हुआ, अब लील भाई जानती है कि चलेगी तो उन्हीं की, उनके आगे किसी की जोर चलने वाली, तो धाम जाने की खुशियारी थी। जागृत आत्मा है इसलिए शोले शनिगार सजरिया लील भाई ने कि आज तो मेरा धाम जाने का शुभ समय है। और फिर जैसे ही श्री कृष्ण जी 10 सखी के साथ प्रकट हुए आरोपने के लिए और आरोपने की लीला पूरी हुई और उसके बाद जब जा रहे थे लील भाई तैयार, हाँ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि पहले बिहारी जी और जमुना को ले जाओ। अरे उनको गंगजी भाई संभालेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सतगुरु ने कहा वो तो गांवजी भाई तो व्यापार के लिए चले गए हैं। कृष्ण जी कहते हैं चुप, दर्शन नहीं हो रहा है लेकिन बात तो सुनाई दे रही है। अच्छा लील भाई, सतगुरु महाराज कहते हैं तो धाम जा रही है, इतना खुशी का प्रसंग है तो खुशियारी में तेरी तरफ से एक बार और दर्शन करा दे सुंदर साहब को। लील भाई ने कहा कृष्ण जी से अरे मेरे धाम जाने की खुशियारी में एक बार दर्शन दो ना सुंदर साहब को। नहीं दूंगा। क्यों? दूसरे के कहने पर मैं क्यों दूं? तुम्हारा भाव थोड़ी ना है। अच्छा तब लील भाई ने निस्बत की उज्जत दी, दावा लिया कि मैं भी देखती हूँ आप कैसे दर्शन नहीं देते, और श्री कृष्ण जी का छेड़ा पकड़ लिया तो चरा पकड़ भी हूँ दिखला हसी। तो तुरंत श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और एक बार और दर्शन दे दिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हमारी लल भाई धाम चले। कौन से धाम में गए? धाम कहाँ है अभी किस समय? गुम्बर जी तो कोई बना नहीं था इसलिए वो तो आप बोल ही नहीं सकोगे। तो जागृत होकर के विराजमान हो गए सतगुरु महाराज के दिल के अर्श के अंदर, और अब यहाँ तो लीला हो रही है। कांजी भाई व्यापार के लिए तो निकल गए थे, नाव अटक पड़ा था, आगे जा नहीं रहा था, दिल के अंदर थोड़ी सी बेचैनी हुई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि पता नहीं ऐसा लग रहा है कुछ घटना घटित होने वाली है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इल्हाम हो रहा है अंदर से। तो नाव से उतर करके वापस आ गए अपने घर, और जब वापस आए तो देखा कि हाँ गुरु माता हम चली। फिर दोनों की जिम्मेदारी मुझे दे करके गए हैं, अब उसके लिए सलाह करनी पड़ेगी किससे? धर्मपत्नी से, भान भाई से। तो गांधी भाई ने भान भाई से कहा कि देखो ये दोनों जो गुरु पुत्र है बिहारी जी और जमुना, इसकी जिम्मेदारी अब हमारे सिर पर है। सेठानी ने मना कर दिया, ये झंझट मैं नहीं संभालूंगी। गांधी भाई ने समझाया कि उन्होंने मेरे ऊपर कितना विश्वास करके जिम्मेदारी दी हुई है, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मुझे साथ दो, अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत ऊपर वाले की मैर है, 2-4 नौकर और रख लेना, ऊपर से गाइड करना है, अच्छे से देखभाल करनी है, बाकी सब काम तो अन्य कर लेंगे। सेठानी ने कहा बिल्कुल नहीं, जब भान भाई मानी नहीं तो गांधी मेरे को चिंता हुई कि अब क्या करूं, मुझे मुख दिखाना है मूल स्वरूप को जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे ऊपर विश्वास करके लील भाई को लेकर के गए हैं, उनको मुख दिखाना है, न कि इन भान भाई को।
इसीलिए बाहर जाकर के पियर के नाम से चिट्ठी लिखी भान भाई को और पियर में बुलाया है जल्दी से तुरंत। और भान भाई तो पियर की चिट्ठी सुन करके बढ़ करके तुरंत दौड़ी पियर में। और गांगजी भाई ने हमेशा लिया हमेशा के लिए कहो तो अपनी पत्नी को अलविदा कर दिया, पियर में भेज दिया। और दोनों जो है बिहारी जी और जंगल को अपने घर में ला करके अच्छे से उनकी सेवा कर। और फिर गांगजी भाई के दो पुत्र शांति और बानजी कि अब जो लीला आएगी श्री जी के समय की अटपटी लेकिन संबंध आप जोड़ते जाओगे बहुत सरल हो जाएगी आपके लिए। तो गांगजी भाई का बेटा है श्याम जी और श्याम जी की बहू है अजय भाई और अज भाई की फूई है मेघबाई जो मंत्री परिवार के अंदर केशव राय ठाकुर के घर में सबसे बड़े हरिवंश ठाकुर की पत्नी है। तो अज भाई जो है अपनी फई से मिलने के लिए फूई के पास हमेशा मेले में जाती थी, कभी कभी साल में दो चार बार तो जाती ही वो। और जब भी जाती मेघबाई हरिवंश के आवे अज भाई देखे गांव जी के घर में राज की मेहरबान आई राजनीत देवे दीदार आरोगे बेरती न बस्ता मांगे आरोग दे आज क्यों फिक्की खाई किन्ना। आज भाई हमेशा सुनाती अपनी फुई मेघ भाई को कि देखो गांजी भाई के ऊपर तो श्री राज जी की मेहर की बारिश हो रही है और उस बारिश में हम सब चिंता कर रहे हैं। हमारे वहां रोज दस सखी के साथ श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट होते हैं और साथ में बैठ करके गुल मिल हो करके भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी मजाक करते हैं कि अरे ये दाल में तो बिल्कुल नमक नहीं है खट्टी बना दी है, ये सब्जी में तो डबल नमक डाल दी है। बच्चों की चुड़ी जो ब्रह्म सृष्टि की परम धाम की वासना उनके लिए कभी कुछ खिलौना कभी कुछ खिलौना भी ला करके देते थे और जो कमी होती थी वो सब कमी को पूर्ताल भी कर देते थे और आरोपने के बाद पान का धुआं भी रख देते थे। अब यह लीला जो है अज भाई सुनाती है लेकिन मेघ भाई के गले उतरती नहीं, विश्वास नहीं आता। लेकिन जब भी जाती है अजवाई अपना धर्म छोड़ती नहीं, सुनाती रहती है। और यहाँ तो लीला चल रही है और सभी सुंदर साहब का भोजन का प्रबंध सेवा तो कांजी भाई की है लेकिन रसोई की सेवा के अंदर धीर भाई सबसे आगे होकर की सेवा कर रही है। अब एक दिन रसोई बनाने का एक बड़ा सा जो पात्र था वो पात्र टूट गया छेद हो गया। तो उस समय तो चूल्हे जलते थे, आग फूकनी पड़ती थी, लगानी पड़ती थी, चलानी पड़ती थी। तो जब पात्र ही टूट जाए तो रसोई बनेगी कैसे, खाना पकेगा कैसे, उसके अंदर पानी जाएगा आग के अंदर तो आग ही जल नहीं पाएगी। तो लील भाई बड़ी परेशान हो गई थी, चारों ओर धुआं धुआं है, आग जल नहीं रही है, खाना पका नहीं था, चर्चा पूरी हो गई और दस सखी के साथ श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। अब वो तो भोजन दो भूख लगी है तूफान मचाने लगे कृष्ण जी। लील भाई एक तो पहले से परेशान थी और प्रेम है तो प्रेम के कारण प्रेम के वचन भी तिरछे वचन छोड़ लिए कि आप जैसे धनी मिले पति मिले लेकिन रसोई बनाने के लिए पात्र नहीं मिला। जब प्रेम से कहा तो उस प्रेम को स्वीकार कर लिया श्री कृष्ण जी और दूसरे दिन फिर सोने की कसेरी ला करके दे दी हीर भाई को। अब हीर भाई तो बहुत खुश हो गई कि मैंने एक दिन कहा जो मांगा वो मिल गया, अब तो अपनी मौज है कोई चिंता ही नहीं, जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। कि अभिमान कहाँ किस प्रकार से किस तरह से हमारे अंदर प्रवेश करता है हमें पता नहीं होता। धर्म के नाम पर हम कहाँ कहाँ अधर्म करते हैं, किस तरह से दज्जाल स्वयं हमें परेशान करने लगता है ताकि उस हिसाब से हम दूसरे को फिर दुख पहुंचाते हैं हमें पता ही नहीं।
अब हीरबाई के अंदर अभिमान रूपी बीज आ गया तो सदगुरु को भी नजरअंदाज कर रहे हैं भाई। वो तो कृष्ण जी के पीछे लग गई। अब सदगुरु समझ गए सब कुछ कि हाँ, लेकिन अब यहाँ बताने से बोलने से कोई समझने वाला नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। आज चर्चा चल रही थी, रसोई हीरबाई ने तैयार कर दी। जब रसोई तैयार हुई, हीरबाई आई, इशारत करती है। हीरबाई का इशारा आया तो सदगुरु ने कहा कि चर्चा में रस पड़ रहा है, थोड़ी देरी है, आप कृष्ण जी को भोजन करा दीजिए। हीरबाई खुश हो गई, आज तो अकेले मिलेंगे। अंदर आई, थाल सजाया, कृष्ण जी को पुकार दी, आए ही नहीं। थोड़ी देर तक पुकार करती रही, परेशान हुई, आए नहीं, तो फिर आई, दूसरी बार इशारत की, चर्चा बंद करो, भोजन का समय हुआ। अरे यार, चर्चा में देरी है तो उनको जिमा देना। फिर आई हीरबाई अंदर, आकर के फिर अर्जी करती है, हाथ जोड़ करके विनंती करती है, आओ जी वाला हमारे लिए, आओ जी वाला। और फिर रोने लगी, पुकार करने लगी, लेकिन फिर भी कृष्ण जी प्रकट नहीं हुए। फिर हमारे अंदर, मन के अंदर, दिल के अंदर कितना भी अहंकार और गंदगी हो, पर फिर हम आओ जीवाला करें तो क्या माया जी आएंगे। कितना भी समझाओ, पत्थर पर जल डाली वो रुझी रहे पर भीगे नहीं, मूर्खों को ज्ञान सुनाओ पर सुनी रहे पर पूछे नहीं। हम अपने स्वभाव को, अहंकार को बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं पाते। कितनी अर्जी किया हीरबाई ने, नहीं आए कृष्ण जी। अब तो हार गई, फिर आई कितना सा दुखी मुख लेकर के। सतगुरु समझ गए अब चर्चा बंद कर दी। अब जैसे ही चर्चा बंद की, खड़े होकर के खड़ा होते हैं ने सखी के साथ प्रकट हो गए कृष्ण जी। अब प्रकट हो करके बैठ गए मस्त भोजन करने के लिए, आरोपने के लिए। हीरबाई जो इधर उधर फिर परोस रही है, घूम रही है, देख रही है, इतनी पुकार की तब तो आए नहीं, और अब तो वस्ता मांग मांग करके खा रहे हैं। पर आरोपने के बाद जब जा रहे थे, हीरबाई कहती है आज किसके मंदिर पधारे थे, इतनी पुकार करने के बाद नहीं आए। अरे आप चर्चा में रस पड़ रहा था, दिल थी, अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हीरबाई को समझाना नहीं पड़ा, वो समझ गई कि किनके द्वारा मुट्ठी में आते थे, कहाँ से प्रकट होते थे। फिर सदगुरु स्वरूप की बड़े तन मन से सेवा करने लगी, बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। अब आज भाई नित बाधे करे दीदार धनी निरधार, हम तो नित देखत रे तुम करो दीदार। परम धाम के अंदर मुल मिलावा के अंदर वचन दिया था ना कि मैं भूलू तो तू मुझे पल में दीजिए बताई, तू भूले तो मैं तुझे तुरंत देऊ जगाया। तो आज भाई अपना धर्म नहीं छोड़ती है, जब भी आती है वो मेघ भाई को जरूर कहती है कि चल न मेघ भाई, एक बार तू भी चल मेरे साथ और कृष्ण जी के दर्शन कर। क्या तुझे इच्छा नहीं होती कृष्ण जी के दर्शन करने की। यह बात सुनाते सुनाते 9 साल हो गए, बड़े घराने सबको, बड़ा खानदान हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो तो थोड़ा होता है ना। लेकिन अजवाई भी कोई मामूली घराने की नहीं थी, रामजी भाई के परिवार की बहू है और वो भी सन्मान भी है मेघवाई और अजवाई का, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं आया। बात ही ऐसी है कि वो कृष्ण जी जिनकी तपस्या करती, कितनी तपस्या, हजारों बरस ऋषि मुनियों करते तब जाकर के एक बार दर्शन प्राप्त करते,
और यह अजवाई का पागल जैसी बातें करने दीवानी तो नहीं हुई कि कृष्ण जी उनके घर में 3 बार दर्शन देते हैं, कौन मानेगा। लेकिन 9 साल से एक ही बात सुनकर भेदभाई करना होगा कि आगे पीछे तो ये सभी बात व्यवहार अच्छे से करती, कोई पागल तो नहीं, इसका दिमाग भी ठीक लग रहा है। लेकिन यह की बात ऐसी है कि विश्वास न आए। लेकिन आज हद हो गई तो फिर मेघ भाई खुद तो नहीं गई, अपने जो देवर थी उस देवर गोवर्धन भाई से कहा कि आप जाइए और जा करके देखो कि आज भाई क्या कह रही है। क्या बात है भाभी जी, अरे इनके घर में कृष्ण जी 3 बार आकर के दर्शन देते 10 सखी के साथ। गोवर्धन भाई को भी यह बात गले नहीं उतरी। कृष्ण जी 10 सखी के साथ कैसे हो सकता है। लेकिन बड़ी भाभी का हुक्म है, टाल भी नहीं सकते, विश्वास नहीं है तो खुद नहीं गए, अपनी पत्नी पद्मा से हुक्म कर दिया कि पद्मा तू जा अजवाई के साथ और जा करके देख आखिर क्या हो रहा है चापला मंदिर के अंदर। तब नसीब खुल गया पद्मा का। तो पद्मा आती है अजवाई के साथ चापला मंदिर में, और जिस समय आई तो उस समय आरोपी की लीला हो रही थी। तो जैसे ही पद्मा ने आकर के देखा श्री कृष्ण जी के 10 सखी के साथ दर्शन किए और आरोप रहे है बस्ता मांग मांग करके खा रहे है, हंसी मजाक करे तो खाए खिलती की ना, देखते ही पद्मा भी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई और खुशी के मारे तुरंत दौड़ी और दौड़ करके आई बेड़ी में, और बेड़ी में आकर के अपने पति से कहा गोवर्धन भाई से कि आज भाई ने जैसा कहा था वो एक एक बात सत्य है, मैंने अपनी आंखों से दर्शन। अब गोवर्धन भाई को भी विश्वास आया। अब गोवर्धन भाई फिर गए, फल फूल लेकर के आए सदगुरु महाराज के पास है, और आकर के सदगुरु के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तब गोवर्धन गए जय के लगे कदम में शरण तुम्हारे आया जमान में आता। गोवर्धन भाई ने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हुए धनी सदगुरु महाराज, अब मेरी अज्ञानता को दूर करके मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, मेरे पर दया करो। प्रणाम करके गोवर्धन भाई गए अपने घर। अब यहाँ रातों रात एक घटना घटित होती है। अब किसी ने कहो चापला मंदिर में जो लीला हो रही, इस लीला की चुगली कर दी नगर पाल के अंदर। चुगली खाई कोतवाल सो एक कालष्ट के घर, जोरू मर्द बैठक ने तुम क्यों न ले रखा। देखो दुनिया जो है वो अपनी दृष्टि से ही देखती और विचार करती, दुनिया को हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ चुगली करने के एक कायस्थ के घर में जोरू मर्द बैठे तो तुम क्यों न ले रखा। वहां गांधी भाई का घर था। किसका घर है? चापला मंदिर गांधी भाई का। लेकिन यहाँ भी तक का कहते कायस्थ के घर में। कायस्थ कौन है? श्री देवचंद्र। तो गांधी भाई का जो है शाह है, सेठ है, नगर से वैष्णव संप्रदाय के, तो उनका नाम नहीं आया। एक कायस्थ के घर सदगुरु का नाम आया। क्यों? मतलब यह भी बता रहा है कि किस तरह से गांधी भाई का समर्पण था सदगुरु के प्रति। उन्होंने सब कुछ जब जाहिर में हम जैसे रोज बोलते कि तन मन धन आपा दयो सब तुम पे ब्रजराज, ऐसे नहीं किया था। लेकिन जैसे महाराजा छत्रसाल में तन मन धन आपा दयो, उसी तरह से गांधी भाई ने सब कुछ समर्पित किया था, इसीलिए कायस्थ का चुगली कर दी कि वहां सभी बैठे हुए रहते हैं, स्त्री पुरुष आदि रात भर आवाज आती रहती, भजन कीर्तन की पता नहीं क्या करते रहते ये लोग, आप खबर क्यों नहीं लेते। तुरंत कोतवाल ने 2 चौकीदार चुगल के साथ भेजे
और दोनों चौकदार जा रहे जुगलखोर में सांप का समय हो गया था, दीपक जल रहे थे और जुगलखोर में दिखा गया कि वो जो दीपक जल रहा है ना वही घर है, वहां वो महात्मा है, वहां जाकर के आपको अपना काम करना है। अब गए जुगलखोर तो चला गया अपने घर, चौकदार दोनों उस दीपक को निशाना लगा करके जाने लगे। अब जैसे जैसे चलने लगे तो एक दीपक के दो हुए। अब दोनों को हुआ कि आखिर कौन सा दीपक जुगलखोर ने बताया था, ये वाला कि ये वाला पता नहीं चला। तो दोनों ने सलाह की कि एक के पीछे दूजा, एक के पीछे ले जाता हूं, तुझे मिले तो मुझे आवाज देना, मुझे मिले तो मैं तुझे आवाज दूंगा। अब सलाह करके दोनों एक एक के पीछे निशाना रख करके जा रहे, एक दूसरे को तो देखने की फुर्सत नहीं हो, दीपक को ही देख करके चल रहे चल रहे चल रहे। जैसे जैसे आगे चलते जा रहे दीपक और आगे दिखाई दे रहा है, और आगे दिखाई दे रहा है। और ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई और सुबह होते ही दीपक बुझ गया, लेकिन वो घर मिला फिर देखा उसे चौकदार ने, एक फिरा कुए पर चार पर रात, दूजा बारह कोस का पंथ किए जागरा। एक तो वहां जो कुप था उस कुप के आसपास ही परिक्रमा लगाते रहा, रात भर चार पर तक परिक्रमा लगाई। सुबह होते ही देखा दीपक बुझ गया, अरे मैं तो रात भर इस कुए को ही भूल भूल फिरता रहा, कहा है वापस आया अपने घर। दूसरा चलते 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 बारह कोस चल गया और जाम राजा की हद को छोड़ करके मौर्य जी के राज्य में पहुंच गया। और वहां जाकर के सुबह जब दीपक बुझ गया तो देखी कोई अनजान जगह, एक बनियारी को पूछता है कि अरे ये जाम राजा की कौन सी जगह है। तो बनियारी ने फटकार दे दिया कि अरे भाई तो दीवाना तो पागल तो नहीं हुआ, यह तो मौर्य जी का राज्य है, उन्हें अपना जान नहीं, यह द्रोण राज्य है। अब जितना चल करके गया था उतना ही चल करके तो वापस आना पड़ेगा, लेकिन जो चौकदार आ गया था उसकी धर्म पत्नी को तो शांति हो गई। और दोनों चौकदार बाजू बाजू में रहते थे, जो नहीं आया था उसकी पत्नी पूछने लगी कि मेरा पति कहाँ है। उसने समझाया कि मुझे नहीं पता, हम गए तो थे लेकिन ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो रात भर कुएं को परिक्रमा लगा करके वापस आया, वो कहाँ पहुंचा मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी मानती नहीं है, लड़ाई कर रही कि नहीं मुझे पता है कि आप महात्मा को पकड़ने के लिए गए थे, जरूर कुछ हुआ होगा, आप तो आ गए तो मेरे पति की क्या दशा हुई मुझे बताओ। दिन भर लड़ाई हुई, शाम को वो चौकदार आया और फिर लड़ाई शांत हुई और दोनों आकर के फिर आपस में बातचीत करने लगे कि क्या हुआ। दोनों ने अपनी अपनी विपत्ति सुनाई और फिर आए नगरपाल के कोतवाल के पास, आए कोतवाल के यहाँ बात एक ही बनाया, जो जुगल हमको मिले तुम्हारे गर्दन काटे। अब कोतवाल ने पूछा क्या हुआ, तो सारी विपत्ति उसको भी बता दी, ऐसे ऐसे हम तो गए थे, एक के दो दीपक हो गए, एक के पीछे वो गया, एक के पीछे ले गया, हमें तो रात भर कुएं में परिक्रमा लगाई, दूसरा कहता हमें तो दो राज्य में पहुंच गया। अच्छा हुआ महात्मा जी मिले, नहीं तो हमारी जान बच गई, अगर वो मिलते तो पता नहीं क्या होता, वो जुगलखोर ने कैसी चुगली लगाई, सबसे पहले तो जुगलखोर मिलेगा ना हम उनकी गर्दन उड़ा देंगे। अब यह बात पहुंच गई किसी भी तरह से राज दरबार के अंदर जाम राजा के पास, और एक दिन गांजी भाई आए थे कोई कार्य विशेष जाम राजा के पास, तो जाम राजा ने यह बात सुनाई गांजी भाई कि आपके घर में जो महात्मा जी है, आपके सदगुरु जो है, किसी ने चुगली कर दी अनजान में, मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन जुगलखोर के कारण चौकदार भेज दिए थे, ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, तो मैं आपके सदगुरु के आगे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ, आप उनसे मेरे बदले में माफी मांग लेना। अब यह बात लेकर के गांधी भाई आए चाकना मंदिर सदगुरु के पास और आकर के कहा
घर आए श्री कांवर जी छाड़े दई कर जोर आज एक कौतुक सुनियो भयो बड़ो उदय शोरा। गांधी भाई ने कहा कि आज तो मैंने बहुत एक अच्छी बात सुनी, एक आश्चर्यचकित बात सुनने में आई कि हमारे घर में जो लीला हो रही इस लीला की बात तो राज दरबार के अंदर पहुंच गई है। अच्छा, इतना सुनते ही सतगुरु महाराज ने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गांधी भाई दुखी हो गए, मुझसे कोई गलती हुई, भूल हुई, माफ करो, क्या हुआ? नहीं नहीं, तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन नीचे वाले कोई क्या चुगली लगाएगा जब तक ऊपर वाले का जोर नहीं चलेगा, ये उनकी शरत है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा। गांधी भाई फिर बोलते है माफी मांगे, आप मुझसे नाराज है बताइए, अरे मैं तुझसे क्यों नाराज होगा, लेकिन यह तो मूल स्वरूप का ऊपर वाले का हुक्म है, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा, अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। गांधी भाई ने कहा अच्छा आप मेरे से नाराज नहीं है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा, पास में मेरा एक बाग है, उस बाग के अंदर कुप भी है, पानी का है, सब प्रबंध भी एक अच्छे से मैं और प्रबंध कर दूंगा, पर्णा कुटी बना दूंगा, आप वहां दिन भर रहना, सत्संग करना, चर्चा सुनाना, सब कुछ होगा, रंग जगह रात्रि को दुनिया आकर ही आप इस पलंग में सोना होगा। अब सदगुरु ने भी बात मान ली और वहां बाग में सारा प्रबंध कर दिया, अच्छी से पंडकुटी बना दी, जो खिजड़ा का एक मंदिर भी है, खिजड़ा का एक वृक्ष भी है वहां, और फिर मंदिर न्यारो बाग में हम करे है कांद, कोई नहीं फैला हो मती, तब हुए ले जिते शाम। अब यहाँ एक सेठ का घर, यहाँ से धर्म का इतना विस्तार नहीं हो सकता है, धर्म के लिए सत्संग के लिए कुछ सार्वजनिक स्थान होना चाहिए जहाँ स्वतंत्र सब लोग आ सकते हैं। मंदिर एक स्वतंत्र जगह है जहाँ किसी की रोक टोक नहीं हो सकती है, कोई रोक नहीं सकता, किसी को कोई मर्यादा भी नहीं आ सकती है, कैसे जाए क्या बोलेगा। इसीलिए अब यहाँ विक्रम संवत 1687 में 1687 पर कार्तिक का मास था और पूनम की तिथि थी, इस दिन सतगुरु महाराज ने श्री पांच नवदर परिधाम की स्थापना कर ली। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री नौतनपुरी धाम की। अब यहाँ पहले बीज उदे वाह पुरी जहाँ नौतन सब पुरियों में उत्तम दी नंदन, ये मरे जे पुरी कावे नौतन जेनो ना चौदह मन मा उत्तम जहाँ बाला नो विश्राम। उत्तम कहा सब पुरियों में, उसका मतलब क्या है? उस समय मंगलपुरी थी, पद्मावतीपुरी थी, नहीं थी, तो मतलब क्या है? या हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी पुरिया थी, अयोध्या कहो, मथुरा कहो, हरिद्वार कहो, द्वारिका कहो, कामकोटी कहो, उज्जैन कहो, तो ये जो सात पुरिया मानी जाती थी चौदह लोग के अंदर उत्तम मृत्यु लोग के अंदर थी, तो इन पुरियों में सबसे उत्तम नौतनपुरी नाम की नया एक धाम बनाया, नौतनपुरी धाम, क्योंकि नया ज्ञान या तारतम प्रकट हुआ और वही तारतम देने वाला स्वरूप से मंदिर आकर के विराजमान हो गए, नया तन हो गया, तभी कहा इति विनित लोक प्रति जो बुद्ध सुपर्ण सो बुद्ध जीवन जागृत रहे प्रकटे हुए सदगुरु उमरकोट में, वहां तो उनके वजन का प्रकटीकरण हुआ था, वास्तव में प्रकट होना मतलब जाहिर हुए क्या नौतन गुरु के अंदर, इसीलिए प्रकटे हुए नौतन।
अब पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, तहां से राज की विराट की बातें करेंगे। अब गोवर्धन भाई आए दूसरे दिन, आकर के देखा तो सदगुरु को चापले मंदिर में ही। अगले दिन प्रणाम करके गए थे और फिर यहाँ एक घटना घटित हुई, तो फिर चापला मंदिर से चर्चा मंडा तो आ गया कि जरा मंदिर। जब दूसरी बार गोवर्धन भाई आए तो सदगुरु मिले ही नहीं, तो फिर पता चला तो खिजड़ा मंदिर आने लगे और आकर के यहाँ रोज श्रीमुख से सदगुरु के श्रीमुखार से चर्चा सुनने लगे। तो पहले मिला गोवर्धन वाला, सबसे पहले मिला किसका हुआ था सदगुरु के साथ, किसका हुआ किसका हुआ कामजी भाई का। तो परिवार अलग है, ये मेरे परिवार में सबसे पहले मिलाप हो किसका हुआ, पद्मा। लेकिन नाम तो आया गोवर्धन भाई का, क्योंकि पद्मा तो दर्शन करके तुरंत चली गई थी, सदगुरु के पास आई नहीं थी। और चर्चा सुनने सबसे पहले आए तो यहाँ गोवर्धन भाई आए, इसीलिए पहले मिलाप गोवर्धन का। पांच भाइयों में सबसे पहले मिलाप है गोवर्धन का। और यहाँ गोवर्धन भाई रोज आते चर्चा सुनने के लिए खिजड़ा के नीचे, और जो भी चर्चा हो रही है श्रीराज जी के निदान की बातें, परमधाम की बातें, रजलीला की बात, रासलीला की बात, ये सारी चर्चा ले जाकर के घर चर्चा की अर्चा करते हैं, अपने परिवार को सुनाते हैं। और संबंध 1687 या की कार्तिक के मजकुर यहाँ से तीरे हुई दुनिया में हमको। अब विक्रम संवत 1687 और कार्तिक का मास है, और गोवर्धन भाई के माध्यम से कहो तो मेरी के अंदर जो श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती भाई की वासना धाम का मूल अंकुर, उनके कारण में यह चर्चा, धाम की चर्चा आई, धाम की चर्चा श्री इंद्रावती जी सुनने लगे। अब यह सदगुरु महाराज जब चर्चा करते तो कभी कभी परमधाम की लीला का जब वर्णन कर रहे तो सुंदर साथ को समझाने के लिए कभी चित्र भी बना करके समझाते थे। और एक दिन चित्र लिखे मंदिर विषय, यमुना धाम बनाई, सात घाट अक्षर सहित लखे सात जाई, चुरी मंडली सात के मंदिर में दिन एक, गौरव जमुना जी को करो कई कई पाप मिले। सतगुरु महाराज ने सुंदर चित्र बनाया रंगमहल का, और रंगमहल के सामने एक दूसरा गोल बना दिया सुंदर चित्र अक्षरधाम का, और कहा देखो ये रंगमहल नवम दसवीं चांदनी है, जिसका मूल दरवाजा आगे पूर्व दिशा के अंदर चांदनी चौक में 100 सीढ़ी और 20 चांदा चढ़कर के जाओगे तब है धाम दरवाजा, और 9 लाख कोस की दूरी पर सामने ये अक्षरधाम है जिसको चारों दिशा में दरवाजा है, और बीच में चित्र दौर दिया पानी का जमुना जी का, और कहा के रंगमहल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर कहो तो यह जमुना जी है, और यह जमुना जी उस समय मंदिर के अंदर कहो सभी सुंदर साथ बैठे हुए थे, चर्चा सुन रहे थे, और यह सतगुरु महाराज बड़े प्रेम से यमुना जी का महत्व समझा रहे थे, सब एकाग्र होकर एक चित्त से सुन रहे। सतगुरु महाराज ने कहा देखो यह जो जमुना जी है, यह जमुना जी यह मृत्यु लोक के अंदर ये गोकुल मथुरा के पास आई हुई जो जमुना है, यह वो जमुना नहीं है, यहाँ भी 3.5 करोड़ तीर्थ रूप नदी स्नान है, लेकिन मुख्य तीर गंगा जमुना और सरस्वती मानी जाती है, और तीन में भी मुख्य दो लोग तो गंगा और जमुना, गंगा भौतिक लाइन के अंदर भी मुख्य मानी जाती है और जमुना आध्यात्मिक लाइन के अंदर मुख्य मानी जाती है, और फिर भी यह जो जमुना है यह जमुना मृत्यु लोक के अंदर की जमुना जी नहीं है, यह तो उठ के नाये जमुना जी की जय सकल सिंगार साथ संबंधी मिल के खेले सक बरता, यह तो परमधाम के अंदर की जमुना जी है, जा रोज हम नित्य अपने बालाजी के साथ मारा बालाजी चलो जमुना चल जिले पाट बाट की देवरी में जा राम दीजे राज रतन जनित के महल में दीजे रंग विलास, ये यह जमुना जी है जा नित्य
नित्य हम जिन्ना करते थे। सभी सुंदर साहब जब जमुना जी का वर्णन सुन रहे हैं तो सबके दिल के अंदर जमुना जी में जिन्ना करने की इच्छा हो गई। सतगुरु महाराज तन की जाने मन की जाने जमने दिल की चोरी साहिब से क्या छिपाना जिनकी हाथ में धोई। सब सुंदर साहब सोच रहे हैं अरे ये जमुना जी में जिन्ना करना हो तो ये जमुना जी तो कितनी दूर है, हद पार भेद भेद पार अक्षर अक्षर पार वतन परम धाम के अंदर। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि देखो जिस जमुना जी के अंदर जिन्ना करने की इच्छा आप लोगों को प्रकट हो रही है, इस जमुना जी ने आपको आपने अपनी बुद्धि से दूर रखा है कि हद पार भेद भेद पार अक्षर अक्षर पार बताना। आप एक दिली जमात हो इन सभी की एक अकल एक दिल एक चित एक ईश्वर होगा। अगर आपके अंदर जो प्रेम एक दिल का वाह का अगर आप चाहो तो वो जमुना जी तो यही प्रकट हो जाएगी। तो जैसे ही सदगुरु ने कहा तो सदगुरु के वचनों पर विश्वास एक साथ सबको आया और एक दिल जमा सभी सुंदर साथ के अंदर एक ही साथ भाव प्रकट होकर के प्रेम प्रकट करके आया। उसी प्रेम ने कहो तो जो चित्र जमुना जी का दौरा हुआ था उसी चित्र जिस चित्र के अंदर पानी था उस पानी में से कहो तो तुरंत जमुना इसी शरीर से उस परम धाम की जमुना जी के अंदर जिन्ना करते हैं। इस तरह से सतगुरु महाराज ने लीला अब संबंध 1675 आशोवदी 14 नाम प्रथम जाम वार रवि प्रकटे श्री धनी धाम। अब संबंध 1675 के अंदर मेरी धाम में जो स्वरूप प्रकट हुआ था श्री इंद्रावती बाई की वासना। अब उनके मिलाप का समय नजदीक आ गया। सतगुरु महाराज के साथ मिलाप होने जा रहा। श्री देवचंद्र जी सर्वसो प्रथम मिले ये जाई इला दर्शन की सकल बात कहे नाई। श्री देवचंद्र जी महाराज के पास रोज आते है गोवर्धन भाई और गोवर्धन भाई आ करके चर्चा सुन करके कथा सुन करके फिर यहाँ की सारी बात ले जाते हैं मेरी धाम में और वहां जब सुनाते हैं तो सुनने में छोटे भाई श्री महाराज ठाकुर श्री इंद्रावती की वासना भी सुन रहे हैं। और सुनते सुनते एक मास हो गया अब महीना आ गया मार्च तो गोवर्धन भाई जब कथा सुना रहे थे चर्चा कर रहे थे तो श्री महाराज ठाकुर ने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलना है खिजरा मंदिर सदगुरु के दर्शन करना है उनके श्रीमुख से स्वयं चर्चा सुननी है मुझे भी आप ले चलो। तब गोवर्धन भाई ने कहा ये मोसो न हो ही बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। जब तक मैं सदगुरु की आज्ञा लेकर ना आऊ उसके पहले मैं आपको ले नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इस समय श्री महाराज की उम्र बहुत छोटी है। कितनी उम्र है 12 साल 12 साल कितने मास 2 मास और कितने दिन में इच्छा प्रकट हुई 4 दिन और चौथे दिन के अंदर इच्छा प्रकट हुई है कि मुझे सतगुरु के दर्शन करना है। गोवर्धन भाई ने मना कर दिया कि कल आज्ञा लेकर के आऊंगा फिर ले जाऊंगा। यहाँ श्री इंद्रावती जी इंतजार में है आज तो आज्ञा लेकर के आएंगे और कल मैं जाऊंगी दर्शन करने। लेकिन गोवर्धन भाई तो भूल गए चर्चा में तल्लीन हो गए पूछना ही भूल गए और वापस आ गए। फिर दूसरे दिन तैयार हो गए श्री महाराज चलने के लिए। नहीं नहीं आज तो मैं भूल गया था फिर पूछ कर क्या आऊंगा कल ले जाऊंगा। आए गोवर्धन भाई खिजड़ा के नीचे बैठ गए
दीदार कर रहे, सतगुरु के से मुझसे चर्चा सुन रहे, फिर भूल गए पूछना ही, वापस आ गए। ऐसा करते करते बहुत दिन बीतने लगा, गोल्डन बॉय रोज भूल जाते हैं। यहाँ दिन प्रतिदिन इंद्रावती जी की तड़प बढ़ रही है श्री सतगुरु महाराज के दर्शन के लिए। अब आज दिन पांच गया नौवा, आज हद हो गई। श्री महाराज ने हाथ पकड़ लिया गोवर्धन भाई का कि रोज आप बहाना बनाते हो और मुझे ले नहीं जाते हो कि आज मैं पूछ करके आऊंगा, आज तो मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा और आपके साथ चलूंगा। हाथ पकड़ लिया तो तुरंत झटक लिया गोवर्धन भाई ने, थोड़ा सा धक्का भी लग गया, श्री महाराज गिर गए, लेकिन फिर भी आ गए चर्चा में। अब चर्चा में आकर के तो बैठ गए, चर्चा में सुन रहे, लेकिन आज चर्चा में उनका मन नहीं लग रहा है। रोते हुए भाई की नाम आ रही है, गलती तो मेरी कि मैं रोज भूल जाता। अरे आज तो उनको धक्का भी लग गया, गिर गए, चोट भी आई होगी तो पता नहीं क्या हुआ होगा। जैसे ही चर्चा खत्म हुई, गोवर्धन भाई ने सतगुरु से कहा कि मेरे परिवार के अंदर मेरे से छोटे भाई ने जिनका नाम है श्री महाराज ठाकुर है, वो आपकी चर्चा जो मैं घर जाकर के सुनाता हूँ, सुन करके उनको आपके दर्शन की प्यास जागृत हुई है, वो आना चाहती है आपके पास, लेकिन छोटी उम्र है और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे ले आ सकता हूँ, क्या आपकी आज्ञा है उसको मैं ला सकता हूँ। सतगुरु महाराज ने कहा देखो लल्लू भट्ट ने ना उनके पिता के अंदर गुजराती चौबाइया के नानो जार नवी शगे जेम बालो ते मटाए मोटा वृक्ष में मरोड़ता ते तुरंत बांधी जाए। इसका मतलब है बचपन में अगर हमने कोई संस्कार डाल दिए, अच्छे संस्कार, धर्म के संस्कार, तो वो आगे जाकर के वृक्ष बन सकता है, लेकिन बचपन में कुछ नहीं सिखाया और बड़े होने के बाद समझाने की ओर जाएंगे तो शायद कभी समझ नहीं पाएंगे, धर्मों में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि वृक्ष बड़ा होने के बाद अगर उसको फिर मरोड़ने की ओर जाओगे तो डाली टूट जाएगी, उसका फैलाव नहीं हो सकता। और फिर सतगुरु महाराज ने कहा देखो उम्र को नहीं देखना चाहिए, दिल की तड़पन को देखना चाहिए। ध्रुव की उम्र देखो 5 साल की ही थी, छोटी सी उम्र थी, 5 साल में भगवान को प्राप्त किया था, जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए। प्रहलाद को देखो 5 साल की उम्र में थम में से नरसिंहावतार को प्रकट कर दिया था। नारद मुनि को देखो 5 साल से किस तरह से भक्ति में थे, अरे अन्य को क्या मुझे ही देख लो, 5 साल की उम्र में मेरे दिल में भी था कि मैं को ये जगत कहाँ बाहर कहाँ बाहर कहाँ से आगे कहाँ मेरे ऊपर था, आज यहाँ पहुंचा हो। इसलिए उम्र को नहीं दिल के तड़पन को देखना चाहिए, आप उनको लेकर के आना। अब सतगुरु ने आज्ञा दे दी, घर आए, महाराज जी से कहा, श्री महाराज ठाकुर खुश हो गए, रात भर खुशी के मारे नींद नहीं आई, कब सुबह हो, कब तैयार हो, कब चर्चा का समय हो, कब किजरा के नीचे जाए, कब सतगुरु की दीदार करें। दूसरा दिन हुआ और अब तो गोवर्धन भाई के साथ तैयार हो करके आ रहे किजरा के नीचे, दोनों भाई हाथ पकड़ करके, पुजारी जी महाराज तैयार रहना, नारियल लेकर के जिसके पास भी हो, और जब आएगा चरण के लखी बासना खास, इसी चरण में नारियल भी एक ही साथ फूटना चाहिए और जयकारा भी लगना चाहिए। तो उम्र 12 वर्ष की 10 दिन अरुदई मास, या स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि 12 वर्ष 2 मास और 4वें दिन इच्छा प्रकट हुई थी इंद्रावती जी के दिल के अंदर कि मुझे भी सतगुरु के दर्शन के लिए जाना है कि जड़ा के नीचे।
अब आज जब आ रहे गोवर्धन भाई के साथ है, तो आज 10वां दिन पहुंच गया, मतलब 12 वर्ष 2 मास और 10 दिन की उम्र हो चुकी है। और बड़े खुश होकर के तैयार होकर के श्री महाराज ठाकुर गोवर्धन भाई का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे आए, आ पहुंचे खिजड़ा मंदिर और आ करके सतगुरु स्वरूप के दर्शन किए, चरण में प्रणाम किए। और सतगुरु महाराज के इंतजार में थे कि पता नहीं इतनी छोटी उम्र में वो भी आज्ञा लेकर के कौन होगा, कौन परम धाम की ऐसी खास वासना आ रही है। और जब प्रणाम किया श्री महाराज ने देखा तो उम्र 12 वर्ष की 10 दिन दई मास आई दरी सो तब लखी बात खास बोलो श्री सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महाराज ठाकुर की नाम के धनी की नाम के धनी की डॉक्टरपुरी धाम की पीछे भी थोड़ी लग रहा तो जिसके पास ज्यादा आई हो तो सेवा करना, जिसको न मिली उसको दे दीजिए। और अभी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, जब प्रणाम करने आएंगे तो सबको प्रसाद मिलेगा आज का। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो उम्र 12 वर्ष की 10 दिन हरुदई मास आई धनी सो तब मिले लखी वासना खास। जैसे आए और प्रणाम किया तो सतगुरु महाराज ने देख ली उनकी पराक्रम, ये तो 12,000 में मुख्य मूल मेरी भी जिम्मेदारी को वहन करने वाली आत्मा, जो तो इंद्रावती की वासना लखी वासना हासिल। और आई के चरणों लगे तभी दई निंद तखिन हृदय मिले आया बैठी जागृत बुद्धा। विक्रम संवत 1687 है, माक्षर शुदी नाम है, पर कहा जाता है दिन था गुरुवार का दिन। आज के दिन दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ, ये बहुत ही मुख्य प्रसंग है विक्रम के अंदर का। या दोनों देखेंगे कि दोनों स्वरूप का मिलन तो सतगुरु और इंद्रावती जी का तो मिलन है ही, लेकिन वास्तव में देखो तो आशिक और माशिक का भी मिलन है। श्री नाथ जी और श्री श्यामा महारानी, इन दोनों स्वरूप आशिक और माशिक का मिलन हो रहा है। सुंदर वार इंद्रावती का मिलन हो रहा है, सतगुरु और प्राणनाथ जी का मिलन हो रहा है। जैसे हम चक्रसाल और श्री जी का मिलन मिलाप को बनाते हैं मुख्य प्रसंग है, उसी तरह से इस प्रसंग को भी मुख्य माना जाता है, क्योंकि ये कोई सामान्य मिलन नहीं है। चौपाई तो वह सूरत के अंदर आएगी, प्रकट होती है कि कर पक्कर बैठा है कि आविषदियों में अंगता इनके बसरी दया पल पल चलते रहता। लेकिन यहाँ भी जब इंद्रावती जी आई तो मान लो कि इंद्रावती जी का दिल रूपी हाथी या स्वयं राम दरी ने पकड़ लिया। आज के बाद तो फिर दिन प्रतिदिन मेहर बरसती 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 बढ़ती 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 जाएगी। और जैसे ही आ करके विराजमान हुए, प्रणाम किया सतगुरु महाराज को कि आए बैठी जागृत बुद्धि। सतगुरु महाराज ने उन्हें जागृत बुद्धि प्रदान की। अब तो घर से चले लोग मिल गए, आवे मिलकर साध बांधियो चित अभी हे दसो दो नाते की बात। अब तो दूसरे दिन से श्री महाराज ठाकुर और गोवर्धन दोनों मिलकर के साथ चलने लगे, चर्चा में आने लगे, सुनने लगे। या वित्तकार कहते हैं दो नाते की बात,
क्योंकि दिन प्रतिदिन अब तो प्रेम बढ़ने लगा। लौकिक प्रेम तो था भाई भाई का, लेकिन भाई भाई की जोड़ी में भी आप यहाँ देखो राम और कौन आता है लक्ष्मण, कृष्णा और कौन आता है बलराम, लेकिन दोनों का संबंध अलग अलग है। राम वैकुंठ के है, कृष्णा वैकुंठ के है, जबकि लक्ष्मण और बलराम नीचे से साईं का स्वरूप है। और यहाँ देखो भाई भाई का संबंध तो है, गुरु भी एक है और धाम में भी सखी से की एक ही बहनी की अमिना है। तो जैसे चंद्रमा की चांदी दिन प्रतिदिन बढ़ती 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 जाती है और पूनम के दिन चंद्रमा पूरी तरह से खिल जाता है, या तो इन दोनों के प्रेम में पूनम ही नहीं आ रही है, दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मृतक का कहते हैं दो नाती। अब एकांत में किस तरह से भविष्य की बातें भी करेंगे, भविष्य की जिम्मेदारी भी सौंपेंगे और फिर किस तरह से गोवर्धन भाई धाम जाने के बाद विरह में उतर जाएंगे और अपने मूल स्वरूप परातम स्वरूप की इच्छा प्रकट हो जाएगी देखने की और परातम स्वरूप को देखेंगे, फिर जो मन के अंदर जो अवस्था जागृत हो जाएगी पूरी तरह से वैराग्य संसार से मुख फेर लेंगे। तो वैराग्य को छुड़ाने के लिए किस तरह से सद्गुरु धाम धनी प्रबंध करते हैं देखेंगे सुनेंगे कल की नजर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज सो